उठा के कहते हैं भाभी हम आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, हम आपसे वादा करते हैं भाभी हम एक माँ को उसके बच्चे से कभी अलग नहीं करेंगे। तो मुझे सब याद दिलाने के लिए नंदिनी ने जानबूझकर ये बाल गोपाल की मूर्ति यहाँ रखी। ये बाल गोपाल भाभी आपको ठाकुर जी याद है ये हमने आपको दिए थे। अच्छा तुमने मुझे दिया था। फिर मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिए ना सब याद आ जाएगा। आपको याद है भाभी आप एक बार हमसे रूठकर मायके चले गए थे तब ये ठाकुर जी की मूर्ति हमने आपको दी थी और हमने आपसे कहा था कि हम आप नंदिनी देखो ना नंदिनी जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो याद तो आता नहीं है बस इस सर में दर्द शुरू हो जाता है। और वैसे भी नंदिनी मैं तुमसे क्यों रूठूंगी। भाभी कोई बात नहीं आप अपने दिमाग पे जोर मत डालिए धीरे धीरे आपको सब याद आ जाएगा। आप ऐसा कीजिए ये मूर्ति हमें दे दीजिए हम इसे मंदिर में रख देंगे ठीक है। आप आराम कर लीजिए। परी की भलाई के लिए मुझे याद नहीं आने का नाटक करना पड़ रहा है नंदिनी। जानती हो तुम और तुम्हारे भैया यही चाहते हैं कि परी मेरे पास चली आए लेकिन मैं चाहती हूँ कि परी की माँ तुम ही बनी रहो नंदिनी। परी के लिए यही अच्छा है।